हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम हो रही है, शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी मैंने सूट ख़त्म किया है। सूट ख़त्म नहीं हुआ था बट थक गई यार, घर का भी काम करना है ना। इधर देख रहे हो, इधर सारे कपड़े, इधर सारे कपड़े, और इतने सारे कपड़े पहन के मेरी बॉडी की तो बैंड बच जाती है, खासकर हाथ की और कमर उमर की। तो अभी बस इन सारी चीज़ों को समेटना है, समेट के जाके मेकअप रिमूव करके फिर चाय बना के पीऊँगी। नितेश को कॉल कर रही हूँ तो ये उठा ही नहीं रहा है, तभी से 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर चुकी हूँ मैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इधर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं, मैंने सोचा था आज पहनूंगी, साड़ियाँ हैं पहनूंगी सोचा था बट नहीं पहन पाई। अब देखते हैं कल करेंगे, आज सिर्फ 3 वीडियोज़ बनाने में ही टाइम निकल गया, बीच बीच में नीचे भी जाना पड़ा। स्टार्ट ही मैंने किया था 2 बजे के बाद, 2 बजे से पहले आज मैंने 3 वीडियो एडिट भी किए हैं, तो 3 वीडियो एडिट और 3 वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात है। तो अभी चलिए मैं फटाफट से सब कुछ समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी ना फटाफट बनने वाली शिमला मिर्च की सब्ज़ी बताती हूँ। शिमला मिर्च प्याज की बहुत ही फटाफट बन जाती है, जस्ट आपको इस तरह से शिमला मिर्च को काट लेना है और मैं सिर्फ ग्रीन वाले के बना रही हूँ। साथ में आपको चाहिए अदरक, अदरक को बहुत ही बारीक काट लेना है, लाइक 1 इंच के आसपास में आप अदरक ले लो, उसको बिल्कुल बारीक काट लो, एकदम पतले पतले बारीक काट लेना है। एंड साथ में प्याज भी काट लेना है, प्याज आपको ना लंबे लंबे काटने हैं, जैसे कि हम छोटा छोटा नहीं काटना है, जैसे लंबे लंबे काटते हैं ना, मतलब जो नॉर्मल प्याज की कटिंग होती है यार वैसे काटना है। और उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे पतले पतले कटे हुए अदरक डाल दिए हैं, और इसको जब ये अदरक अच्छे से पक जाएंगे, मतलब रेड हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। तो कुछ इस तरह के प्याज मैं बोल रही थी आपको, इस तरह से काटना है, और हरी मिर्च भी हमने डाल दी है। इनको हाफ हमें फ्राई करना है, मतलब जब तक कि ये हाफ गोल्डन नहीं हो जाए, क्योंकि हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे तो फिर इन्हें फ्राई करना ही है, इसलिए हाफ जब गोल्डन हो जाए तब तक फ्राई करना है। अब इसमें सारे मसाले डालना है, एक नमक डालना है, रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर, मतलब टर्मरिक पाउडर, एंड मैंने यहाँ पे जीरा और धनिया पाउडर डाला हुआ है, साथ में किचन किंग मसाला डाला हुआ है। तो ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला देंगे, और आप देख सकते हो प्याज अभी तक पका नहीं है, मतलब फ्राई नहीं हुआ है। यहीं पर हम डाल देंगे सारे शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च जब तक फ्राई होगी तो उसके साथ साथ में प्याज भी फ्राई होगा ना, तो ऐसे में अगर हम प्याज को पहले ही फ्राई कर देंगे बहुत ज़्यादा तो फिर प्याज जल जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों को मिक्स कर दिया है और ढक ढक के हम इसको पकाते रहेंगे। साथ में मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो इधर शिमला मिर्च बनने में टाइम लगता है, ये हल्के हल्के पकता रहेगा और प्याज भी पकता रहेगा और आपके शिमला मिर्च भी पकती रहेगी, तो बीच बीच में इसको चलाना होता है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ में रोटी भी बनाती जाती हूँ, क्योंकि वो तो पक ही जाएगा। और मैं शिमला मिर्च को यहाँ पर थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पका देती हूँ, मैं थोड़ा कच्चा ही खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब कच्चा कच्चा, मतलब थोड़ा हल्का कच्चा होता है ना शिमला मिर्च, तो अच्छा लगता है खाने में रोटी के साथ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एकदम गला नहीं देती हूँ, मतलब बस पक जाए, अच्छे से कुक हो जाए उतना ही पकाती हूँ शिमला मिर्च को। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड करनी है, फर्स्ट है टोमेटो केचप। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के आसपास में टोमेटो केचप ऐड किया है, साथ में आपको चाहिए मलाई, तो मलाई ऐड कर सकते हो या फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ एक ही दिन की मलाई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने सारा घी बना लिया था, तो जो जितनी मलाई थी उतनी मैंने डाल दी, से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए था बट ठीक है, इतनी मलाई से भी काफ़ी काम चल जाएगा। और ये मलाई डालने के बाद आपको अच्छे से मिला करके इसे ढक देना है, और ढकने के बाद बीच बीच में आपको चलाते रहना है ताकि जल ना जाए। और बस बन ही चुका है, बस इसको और 2 से 3 मिनट हम इसे ढक के पकाएंगे और हमारी जो शिमला मिर्च प्याज की सब्जी है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से हमें 2 मिनट बस इसको पकाना है, और आप देख सकते हो कितनी टेस्टी लग रही है ना, गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी आप खाओगे ना, बहुत ही यम्मी लगती है। और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है राइट, पर ये बहुत ही टेस्टी होता है और देखने में भी काफ़ी टेस्टी है। तो इसे आप ज़रूर बनाना और बना के मुझे ज़रूर बताना कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
करके फोन में कुछ देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं, बट मैं बोल रही हूँ सोने आने के लिए तो नहीं आ रहे। और ईयरफोन लगा करके ऐसा प्रिटेंड करते हैं ना कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और अभी जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो उनको सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगी नहीं इधर से कि सुन रहे हो, आ रहे हो, सो जाओ, लेट हो रहा है, तो नहीं सुनाई देगा। और अभी जब मैं फोन में बोलना स्टार्ट कर रही हूँ ना तो उनको सुनाई दे रहा है, इधर घूम करके देख रहे हैं। नौटंकी वाले पति में ये जाने वाला है व्लॉग में। हेलो, सुन रहे हो, हम ये डालने वाले हैं व्लॉग में। आ रहे हो सोने? 11:40 हो गया। गुड नाइट। सुबह ऑफिस तुम नहीं सोगे ना? लाइट ऑफ करो। Hey guys, good morning। और आज मैं 2 दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि 2 दिनों से मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द था और सर के साथ साथ बॉडी में भी बहुत ज्यादा दर्द था, और काम भी मैं कर रही थी मैं, लेकिन मन नहीं कर रहा था कुछ भी, मतलब तरीके से कुछ नहीं कर रही थी, इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं तीज में क्या पहनने वाली हूँ। मुझे परसों ही रिसीव हुआ है तो लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा कि मैंने क्या सोचा, हम दोनों ने डिसाइड किया, फिर नितेश ने बोला कि ये वाला अच्छा लग रहा है इसको ले लो। 4-5 पीस में से नितेश ने चुन करके एक ऑर्डर कर दिया है, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। एंड वहाँ पीछे सोचा है वो ग्रीन ग्रीन क्या है, तो वो कपूर कोन जो आता है उसका एक कोन आता है वो है लगाया हुआ, तो वो अमेजन में सेल चल रही थी ना उस टाइम, बहुत सारी चीज़ें मैंने परचेज की थी, तो वही है ये। तो इस रूम में भी है, दूसरे रूम में भी है, और कार में। अच्छा, ये सोच रहे हो प्लास्टिक क्यों लगाया हुआ है, रात में मैंने ना बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ है अपने बालों में, तो मैं हमेशा जब भी रात में ऑयल लगाती हूँ तो मैं इस तरह से ये सावर कैप लगा के सोती हूँ। ये यूज एंड थ्रो है, बस लगाया और इसको फेंक दूंगी, मतलब ऐसे मैं नहीं फेंकती हूँ, अगर ख़राब नहीं हुआ तो मैं 3-4 times यूज कर लेती हूँ, बनिया हूँ ना तो 3-4 times यूज़ कर लेती हूँ, तो ये बहुत सही रहता है यार। वो ये ना ज़्यादा चुभता नहीं है और बजता नहीं है, बाकी जो होते हैं बहुत मोटे मोटे वाले उसमें तो सोना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट तो अभी फटाफट से क्या करना है, शैम्पू करना है, और कल ही है तीज, तो अभी मैं आपको अपनी आउटफिट दिखाऊंगी। और 3 days से मैंने ब्लॉग नहीं डाला हुआ है क्योंकि ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं डाला है, तो आज मैं एक ब्लॉग डाल दूंगी। तो अभी मैं आपको फटाफट से ना पहले नहा लेती हूँ, किचन वचन साफ करके, और आज ओनर भी आने वाला, ओनर के साथ और एक कोई आने वाला है इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए। पता नहीं यार, ये ओनर अगर इस फ्लैट को सेल कर देगा तो फिर हम कहाँ आ जाएंगे। हमारा जो एग्रीमेंट है वो अभी अक्टूबर तक का ही है, उसके बाद फिर रिन्यू करना पड़ेगा, फिर रिन्यू करना पड़ेगा मतलब 5% या 10% और बढ़ाना पड़ेगा चार्जेस। तो आज ओनर भी आने वाला है, तो उसके लिए घर को ठीक ठाक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो और कोई और एक आएगा उसके साथ वैल्यूएशन करने वाला शाम में, और फिर शाम में बाहर भी जाना है पूजा का कुछ सामान लेने, फल फ्रूट लेने के लिए, तो देखते हैं फटाफट से सारा काम करते हैं। और अभी मैं इस आपको दिखाऊंगी आउटफिट, उसके बाद मैं इस वीडियो को एडिट करके अपलोड कर दूंगी। सो आज ये वीडियो जाए, और उसके बाद फिर स्टार्ट करूंगी तीज का ब्लॉग। तो तीज का ब्लॉग आप जरूर देखना मेरा। लास्ट ईयर तो मम्मी लोग सब लोग गई थी, मम्मी थी, कुछ मेरी ननद थी, नानी थी, तो बड़ा अच्छा से हम लोगों ने तीज सेलिब्रेट किया था। आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो। इस बार तो पता नहीं मैं या फिर मंदिर जाके पूजा कर लूंगी या फिर घर में ही देखते हैं, इंतजाम करते हैं अकेले। चलो कुछ देर में मिलती हूँ मैं आपसे। सो अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मतलब नहा चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने पिड़किया या फिर गुजिया बोलते हुए, पिड़किया बोलते हैं हमारे साइड में, पिड़किया बोलते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रबड़ी बना रही हूँ। रबड़ी मतलब खोआ बना रही हूँ, जैसे पेड़ा के लिए रबड़ी बनाया था ना सूखा हुआ, वैसे ही इसका मैं बना रही हूँ खोआ, और खोआ बन जाएगा उसके बाद ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बाकी सूजी वगैरह मैदा वगैरह हम कर लेंगे। तो नितेश को पिड़किया बहुत
मैं आपको दिखाऊंगी मेरे तीज का आउटफिट। जस्ट अपने ये बालों को खोल के सीरम लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। अनारकली कुर्ती बहुत ही खूबसूरत, ये देख सकते हो आप, ये मैं रेडियम मरून कलर में मैं मिंत्रा में सर्च कर रही थी कुर्ती, मुझे ये वाली दिखी ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कलर कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा खूबसूरत है इसका, और मेन थिंग कि ये कॉटन में नहीं है, सिल्क में है। कॉटन में जो भी कलर होते हैं ना बहुत फीके पड़ जाते हैं धोते, लेकिन सिल्क जो होते हैं उनके कलर नहीं जाते, उसमें साइन भी बहुत अच्छी है। जरी से वर्क है, आप देख सकते हो सारा जरी सितारे से वर्क है, और मुझे लगा था कि इसमें जो ये सारे वर्क है ना वो भी जरी के वर्क होंगे, बट ये जरी के नहीं है, प्रिंटेड है, लेकिन ठीक है, चलता है। डब्लू के प्रिंट अच्छे होते हैं और आपको केयर करनी पड़ती है। अब आप इसको घर पे तो नहीं पहनोगे ना, इतने अच्छे कुर्ता को, हैवी कुर्ता को घर पे तो नहीं पहनोगे ना, 3-4 टाइम किसी फेस्टिवल्स वगैरह में या फिर पार्टी वगैरह पहन करके उसके बाद अपने अपने हाथों से वॉश कर सकते हो, फिर ड्राई क्लीन के लिए दे सकते हो। तो ये है फ्लेयर, बहुत ज्यादा अच्छी है और हील्स के साथ ना बहुत अच्छी लग रही थी गाइस, एंड ये लटकन भी है। तो ये तो सिर्फ कुर्ती है, और मैंने इसके साथ में एक प्लाजो लिया है जो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है, लेकिन चल जाएगी, क्या बोलते हो आप, चल जाएगी ना। ये ना थोड़ी पिंकिश टाइप की मरून है और ये थोड़ी रेडिश टाइप की मरून है, बट फिर भी चल जाएगी। मैं पहनने पे नहीं पता चल रहा था, इतना सब दिख ही रहा था नीचे, तो ठीक है। ये प्लाजो लिया है मैंने, ये भी कॉटन में नहीं है, कॉटन एंड सिल्क ब्लेंड है, एंड उसके साथ में मैंने लिया हुआ एक दुपट्टा। मुझे मरून कलर में दुपट्टा नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये जो दुपट्टा है ना ये रेड एंड पिंक दोनों के कॉम्बिनेशन में है। कॉटन का मिल रहा था, पूरा भरा हुआ मिल रहा था, तो वैसा इसमें ये ऑलरेडी इसमें ना जरी वर्क है प्लस पूरी प्रिंटेड कुर्ता है, तो इसमें और भी ज्यादा हैवी दुपट्टा लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप कुछ भी पहन रहे हो तो एक चीज पे फोकस होना चाहिए, तो आपका दुपट्टा अच्छा होना चाहिए या आपकी कुर्ती अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी इसकी जो कुर्ती है अपने आप में ये बहुत ही एलिगेंट पीस है, तो इसके साथ और हैवी दुपट्टा, नेट वाले दुपट्टा वो सब मैं नहीं करना चाहती थी, और इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें दुपट्टा चाहिए, बट फिर भी मैंने ये दुपट्टा अलग से लिया हुआ है, मतलब पहले ही लिया हुआ था, बट मैंने इसको इसके साथ में लेके देखा तो अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली मैं कुछ चीजें कलेक्ट कर रही हूँ, जिससे मैं अभी तो दुर्गा पूजा दिवाली के टाइम पे अच्छे अच्छे स्टाइलिंग वीडियो बनाने वाली हूँ, उसके लिए ये दुपट्टा मैंने लिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, सिंथेटिक मटेरियल में, ठीक है। तो ये दुपट्टा इसके साथ अच्छी लग रही थी, जरूरी नहीं है दुपट्टा लेना फिर भी। तो ये लिया है मैंने तीज के लिए, और फिर मैं आपको दिखाने वाली थी कि मुझे फर्स्ट तीज में नितेश ने क्या दिया था, तो ये है। ये वाली मंगलसूत्र नितेश ने मुझे फर्स्ट तीज में लेके दिया था, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने बहुत
पहना है और अभी भी इसको मैं पहनने के लिए निकाल रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। मेरे बड़े वाले मंगलसूत्र मुझे डेली यूज में मतलब पहनने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उस टाइम पे नितेश ने मुझे ये लेके दिया था फर्स्ट तीज में। और जब ये स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाती थी ना, उस टाइम पे मुझसे बहुत क्वेश्चन आते थे कि ये वाला मंगलसूत्र आपने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने लिया है रिलायंस ज्वेल्स से, रिलायंस ज्वेल्स ही बोलते हैं ना, रिलायंस ज्वेल्स से ही लिया है। काफी खूबसूरत लगता है मुझे ये वाला मंगलसूत्र और बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही पतला सा है, मुझे ऐसे ही चाहिए था, तो इसको मैं अभी पहनने वाली हूँ। देती हूँ उसके बाद 4 बजे हो सकता है ओनर भी आने वाले हैं, उसके बाद नितेश आएंगे तो फिर हमको बाहर भी जाना है थोड़ा कुछ पूजा का सामान वगैरह लेने के लिए, तो उसके बाद फिर नहीं कर पाऊंगी, फिर वीडियो टाइम पे नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं अभी इसको फटाफट से एडिट कर देती हूँ। और खोआ भी बन रहा है, खोआ बन जाएगा, उसके बाद मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। इसके बाद पूरे तीज में क्या क्या बना रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ और ये आउटफिट मेरे पे कैसा लग रहा है उसके लिए जरूर देखना मेरा तीज का ब्लॉग। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको मेरा ड्रेस, पहले आपको पसंद आया होगा, नितेश को पसंद है, मतलब आप सबको पसंद आएगा क्योंकि वही पसंद करते हैं मेरी सारी ड्रेसेस। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने